अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। इस वक्त की अगली खबर लखनऊ से ही हमें मिल रही है। अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, सपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। अखिलेश यादव नए सिरे से संगठन का निर्माण करेंगे। सपा ने दो दिन पहले अपने सभी संगठन भंग कर दिए हैं और आज नए सिरे से संगठन का निर्माण करने वाले हैं, तो उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सपा की सदस्यता अभियान की आज से शुरुआत होगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, आज से नए अभियान की सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। अखिलेश यादव नए सिरे से संगठन का निर्माण करेंगे, दो दिन पहले सभी संगठन भंग कर दिए थे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं राघवेंद्र जी का। राघवेंद्र जी लगातार बने हुए हैं। राघवेंद्र जी, अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, पहली चीज ये, दो दिन पहले ही सभी संगठन बंद भंग कर दिए, आखिर क्यों और नए संगठन की शुरुआत करने का उद्देश्य? अभी दो दिन पहले समाजवादी पार्टी तरफ से एक ट्वीट आया और ट्वीट में जानकारी दी गई कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर देश भर के सभी संगठन को भंग कर दिया है। यह एक बहुत बड़ी खबर थी। अचानक इस तरह का फैसला लेना ये बहुत बड़ी बात है। निश्चित तौर से अखिलेश यादव के मन में कुछ चल रहा है संगठन को लेकर, और जिसको ट्वीट करके यह जानकारी दी गई इस खबर के लिए। आज जो है समाजवादी पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। निश्चित तौर से 100 दिन जो सरकार ने पूरे किए हैं उस पर अखिलेश यादव अपना बयान दे सकते हैं, उन पे हमला भी कर सकते हैं कि 100 दिन में सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया। साथ में इसी दिन आज वो अपने सदस्यता अभियान की भी शुरुआत कर रहे हैं। अखिलेश यादव की ये समझ रहे हैं कि सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में बढ़ानी पड़ेगी और बिना यह संख्या बढ़ाए हम आने वाले समय में सत्ता में नहीं आ सकते हैं। ये सदस्यता बढ़ानी है और ये जो कार्यकर्ता होते हैं, जो सदस्य बनते हैं, जो सक्रिय सदस्य होते हैं, यही जो है निर्णायक साबित होते हैं वोट दिलाने के लिए, यही सत्ता में वापसी के लिए निर्णायक साबित होते हैं। जो बूथ लेवल तक कार्यकर्ता होते हैं, जो निचले पायदान पे जो कार्यकर्ता होते हैं, वही संगठन के लिए काम करते हैं। तो इसलिए आज से समाजवादी पार्टी अपने सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रही, तो सबसे पहले वह एक सदस्य बनाएंगे जो भारी संख्या होगी, उसके बाद उन्हीं सदस्यों में से वह संगठन का निर्माण करेंगे और देखेंगे कि हमको किन किन जगहों पे किनको किस तरह का दायित्व देना है, और वह ऊर्जा के साथ वह दायित्व सौंपेंगे और फिर से संगठन के लिए काम करेंगे। तो अखिलेश यादव इस तरह का एक प्लान बनाए हुए हैं। अब देखिए आगे उनको किस तरह की सफलता मिलती है, क्योंकि चुनौती सामने बहुत बड़ी है। 2024 में लोकसभा चुनाव है और 2 वर्ष से कम का समय है जब यह लोकसभा चुनाव होने वाला है। लगातार 5 हार अखिलेश यादव को 2014 से अब तक मिल चुकी है, इसलिए लक्ष्य उनके सामने बहुत विराट है, बहुत बड़ा है। अब देखिए अखिलेश यादव उससे कैसे निपटते हैं। जी पूनम, बिल्कुल, ये भी एक चुनौती है कि कैसे निपटेंगे। शुक्रिया राघवेंद्र जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिस तरीके से अभी दो दिन पहले घोषणा की गई कि सभी संगठन भंग करने की और अब नए सिरे से संगठन की शुरुआत करेंगे, और आज उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, नए सदस्यता अभियान की शुरुआत अखिलेश यादव आज करने वाले हैं।